गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गॉड, आज तो बहुत ठंडी है यार। इतने दिन से हम घर आए हुए थे ना, मज़े थे, ठंड नहीं थी इतनी नहीं यार, पर कल से बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यार। अब तो उठने का मन नहीं करेगा, मैं क्या करूँ। और ये जा रहे हैं भैया को छोड़ने के लिए। हाँ, सुबह बज गए 7, हम उठ गए हैं अभी। तो मैं सोच रही हूँ, अगर मैं उठ ही गई हूँ तो योगा कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज है 10 दिसंबर। शादी ख़त्म हो गई है, फंक्शन ख़त्म हो गए हैं, तामे ख़त्म हो गई हैं। अभी 10 से 14 तक ही चल रहे हैं। अभी हमें कोई है, लेट मी थिंक, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। मुझे जो खाना होगा मैं पापा को बोलूँगी, वो मुझे बना के भेज देंगे, नॉट अ बिग डील फॉर मी। तो गाइज, अभी क्या है, कल से ना, कल सुबह बारिश हो रही थी, जब शादी चल रही थी ना, ख़त्म होने पे आ गए थे, जब वचन चल रहे थे ना सुबह 4 बजे, तब बारिश हो रही थी। तो बारिश होना बहुत अच्छी बात है, अगर शादी में थोड़ी सी भी बारिश होती है ना, होनी चाहिए, वो ज़रूरी होती है। महादेव खुश हो जाते हैं उस कार्य से जो कार्य हम कर रहे होते हैं। तो उन दोनों को भी बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। ये लाइफ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है। चलो नहीं यार, जोक्स अपार्ट, इस मतलब हर रिश्ता अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों को भगवान खुश रखे हमेशा हमेशा हमेशा। और अभी शादियाँ ख़त्म हो गई, अभी तांबे ख़त्म हो गई हैं, तो फिर सोई सोई इनको पहले ही बोलती, मैंने बोला आपने मुझे तो कुछ खिलाया ही नहीं है ग्रिलिन लेके, क्योंकि हमारी फेवरेट प्लेस हुआ करती थी। जब भी हम कभी मिलते थे, हम ग्रिलिन में ही मिलते थे, जो उधमपुर में है। यहाँ पे हैं तो हैं 4-5, लेकिन जो टेस्ट है ना वो एक ही जगह का आता है, जो पुराना ग्रिलिन है। तो अगर आज के टाइम से जल्दी आ गए, क्योंकि ये भैया को छोड़ने जा रहे हैं ड्यूटी पे, उनका कोर्स शुरू हो रहा है, तो अगर ये टाइम से जल्दी आ गए तो फिर मैं जाऊँगी आज, क्योंकि आज मेरा खाने का मन है। आज और कल के दिन ही मैं खाऊंगी, मंडे से फिर मैं अपनी रूटीन में आ जाऊंगी। तो इसलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी मैं सोच रही हूँ, उठी हूँ तो योगा शोगा क्या होता है यार, योगा कर ही लेती हूँ अगर उठ गई हूँ। अगर नहीं उठी होती, चलो फिर अब मैं उठ गई हूँ तो अब टाइम भी काफ़ी है, तो इसलिए योगा कर लेती हूँ। पैसे दो। आप ड्राइवर हो ना, तो आपकी सवारी आई है, चलाओ। ओ देख, इसमें आ गई अपने पापा के पास। गाइस ये देखो, पाव भाजी बन रही है, भाजी बन गई है, बस पाव गर्म करनी है। ये न्यू शेफ है, हर एक चीज बनाना जानता है ये शेफ। ओहो, हाथ जल गया। कन्या, आपको पाव भाजी यम्मी बनाई है, बहुत ज्यादा आपको अच्छी लगी, डिलीशियस। और इसका अपना ही ट्रैक होता है, हर बार अपना ही ट्रैक। मेरे को आंटी अंकल ने खाने पे बुलाया रात को, मैं मम्मी घर में आ गई हूँ आज रहने के लिए, फाइनली काफ़ी टाइम के बाद। तो आज हमें खाने के लिए बुलाया, और खाने के लिए क्या बुलाया, टोडा। हम दोनों खाएंगे टोडा। इनका इधर आके भी यही काम होता है, फोन फोन फोन। ठीक है, हमारा भोजन जा रहा है, किसा केदा है। गाजर, गाजर बड़ा बड़ा है। ये इनका डिनर, ये मेरा डिनर। खाते हुए और आंटी अपने लिए डाल रही, और ये तो बस चाह नहीं पीनी हूँ। अच्छा, कल लंच ऊपर आना पे दोबारे, फिर शामिल ही चाह पीट जाना करे।
और गाइस हमारी गुड नाइट होती है गुलाब जामुन खा के। पापा ने लाए थे क्योंकि उनको पता था मैं इधर आई हूँ आज रहने के लिए, तो इसलिए मेरे लिए गुलाब जामुन आ गए थे। आपको इरा की शादी करना पूछो गाइस, आज हम खा रहे हैं चाम। कौन सी मसाला चाम? तंदूरी चाम, तंदूरी चाम मसाला। मेरा कुड़ी शायद वो फोन है, वो मैं जूम ऐप है नहीं मेरा चल नहीं चलता है। ये मेरा भाई है, हमें मोमोज पार्टी करा रहा है। सॉस एक के चन्नी नहीं उधर नहीं बोतले भी हो तू बाप फिर जलिंदे चलो गो बिचा खिलाओ इतना। हे गाइस, मैं अपनी मम्मा के घर में आई हूँ। मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी बातें ही खत्म हो रही है सबकी, तो ये पता नहीं दो तीन दिन से ही चल रहा है, तो इसको लास्ट में एडिट करके देखते हैं। आज लास्ट में एडिट करेंगे और ये भाभी जा रही है हमारी सुबह सुबह कपड़े धोने। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। अभी हम सुबह सुबह थोड़ी कहीं काम जा रहे हैं, पापा के घर बोला है तो हम वो काम करके आते हैं। गाइस ये है मेरा मम्मी का घर, वो साथ वाला आंटी जी का घर, उसके साथ वाला रजनी भाभी का घर, उसके साथ वाला मेरी आंटी का घर, उसके साथ वाला भी आंटी का घर। ये जो 1 2 3 4 5 ये घर है, ये हम एक ही हैं, हमको ये लग नहीं है एक दूसरे से। और ये हमारा खाली प्लॉट है, ये भी हमारे रिलेटिव का घर है। ये आया मेरा मायका रोड साइड। हमें दावत में है राजमा चावल, टोडा भी बनाया और टोडा भी आया। तो हे गाइस, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मैं हूँ अपने रूम में अपने मम्मी के घर पे, और जब पता है आफ्टर मैरिज अगर आप अपने मम्मी के घर पे आते तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ब्लॉग है वो अच्छे लगे हों, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ये जो ब्लॉग है ये कंटिन्यू रहा है फ्राइडे के बाद, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आज तक का। आज मैं इसको एंड करूँगी क्योंकि मैं मम्मी के घर में आई थी, मैं नहीं शूट कर रही थी क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा बिजी हो गई थी सब में क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद इधर रहने आई थी, तो मैं सब में बिजी थी। और फिर पता क्या होता है जब आप बातें करते हैं ना, तो वो चीज़ मेरा मन नहीं करता कैप्चर करने के लिए, वो मेरे मोमेंट्स हैं और वो मेरे तक ही रहें तो ही अच्छे लगते हैं। और ये मेरी मम्मा है, दूध गजरेला। और आज मेरे पापा ने बनाया गजरेला, एक दिन आए थे गुलाब जामुन फिर लाए थे, और आज पापा जी ने लाया है गजरेला। तो गुलाब जामुन चाम गजरेला तीन डिशें तो हो गई हैं, बाकी सब्जियां तो चलती रहती हैं रोज नई नई खातिरदारी। तो अभी मेरी मम्मी मुझे मालिश भी करेगी, आराम से चम्पी करेगी, फोटो में तेल लगाएगी, बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है बाय गॉड के कसम। जब आप शादी कर लेते हो ना फिर मतलब जब इधर रहते हो ना तब ऐसे मम्मी बोलते हैं आपने ये करना है वो करना है, पर जब मैं अभी आती हूँ ना मम्मी कुछ काम ही दिखाती है। अब मुझे लगता है कि मैं मम्मी को काम करके दूँ क्योंकि मैं करती हूँ अब, पर अब मम्मी नहीं करवाती है तो मुझे लगता है कि अब मैं करती हूँ तो मैं उसको करके दूँ, और जब मैं नहीं करती थी तब वो चाहते थे कि मैं करूँ तब मैं नहीं करती थी, अब मैं करना चाहती हूँ वो नहीं करने देते, तो बोलती है जल्दी से थोड़े दिन रहना है तो क्या काम कराना है। बट अभी मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर मैं आई हूँ तो मैं काम नहीं करके दे रही हूँ, वो खुद से लगे हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, इतना तो नहीं करती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ। मेरा तो मेन होता है सेटिंग चेंज करना, रूम्स की डेकोरेशन को मैं यहाँ से उधर उलट पलट करना मेरा यही काम होता है, और अच्छे से डस्टिंग करके दे देती हूँ। किचन का नहीं करती मैं, किचन का तो नहीं मुझे पसंद है, झूठ क्यों बोलना, मैं नहीं बोलती झूठ, नहीं पसंद है, वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है, कभी कुछ अच्छा बनाना हो
अदरवाइज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किचन का काम। तो ठीक है, अभी ये तो भैया के घर में है, वहां पे डिनर करने गए हैं, तो हमें मजा ही मजा है। तो गुड नाइट, आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर 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 करें प्लीज।